बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदी। तवा लेग पीस फ्राई, जी हाँ, बहुत आसानी के साथ बनाई जाने वाली रेसिपी है। घर पे कोई सा भी आपके पास तवा है, आप उस पर इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत कम खर्चे पर, कम मसालों से बनने वाली आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए सबसे पहले एक प्यारा सा तवा चाहिए। प्यारे से तवे के अंदर हमने 200 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही ये मक्खन पिघल जाएगा तो हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन शामिल करेंगे। मक्खन का अपना ही जायका है और इसमें अगर लहसुन का तड़का लगा दिया जाए तो क्या बात है। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट हम शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपने मक्खन और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन का कच्चापन आपने ख़त्म करना है। इस रेसिपी के लिए हमने 5 अदद लेग पीस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई सा भी चिकन का पीस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं लेग पीस तवा फ्राई। दरमियान से देखें, मैंने कट बड़े बड़े लगा लिए हैं क्योंकि हम तवे पे से फ्राई करने जा रहे हैं, तो इसको हमने गलाना भी है। इसका मसाला अंदर तक जज्ब होना चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर बड़े बड़े कट लगा दिए हैं। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने यहाँ पर 5 अदद टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर का पानी जब तक खुश्क होगा, इसमें आसानी के साथ हमारे जो चिकन है वो भी गल जाएगा। कुछ मसाले हम साथ शामिल करेंगे इसमें, इसे मज़ीद स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कीजिएगा। दड़ा मिर्च 1 टीस्पून अपने टेस्ट के हिसाब से। साबुत जीरा आपने इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आज की हमारी रेसिपी में। हल्दी चुटकी के बराबर, साबुत धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, सूखा मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपने पकाना है। यहाँ देखिए, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। उसके बाद हमने 5 टेबल स्पून दही, जिसे अच्छी तरह से हमने फेंट लिया था, शामिल कर दिया है। दही के पानी के खुश्क होने तक हमने अच्छी तरह से इस मसाले को पकाना है। मज़ीद इसे टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून सोया सॉस आपने इस्तेमाल करना है। फ्रेश धनिया, हरी मिर्च अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाला देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। चिकन भी बहुत आसानी के साथ गल गया है। 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर दिया इसमें सोया सॉस। लीजिए, हमारी लेग पीस तवा फ्राई रेडी हो चुका है। मसाला देखिए दानेदार माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।